दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप सौहार्दी मानते हैं, जो आपको तभी स्मरण करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है और वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, हाथ फैलाकर और आपसे सहायता मांगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं? ऐसे लोगों के बारे में सोच के मन में एक चिड़ सी उठती है, मन खिन्न सा हो जाता है। दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए और हमेशा उन लोगों की मदद कीजिए, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये बात याद रहे हमेशा कि दीपक का स्मरण हम तभी करते हैं जब अंधकार गहरा हो। उसी प्रकार जब इस प्रकार की परिस्थिति आए कि कोई आपकी सहायता मांगने के लिए आपके सामने खड़ा है, तो इस जगह व्याकुल ना होकर बल्कि दीपक की तरह आपको आनंद की अनुभूति लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपके पास स्वार्थी बनकर भी आता है तो उसको स्वार्थी मत समझिए, आप उसकी मदद कीजिए। क्योंकि दोस्तों, उसने आपको इस पूरे संसार में लायक समझा है कि आप उसकी मदद कर सकें। मतलब आपने सोचा कि आप पूरे संसार में इतने योग्य हैं कि आप किसी की मदद कर सकें, सो फिर उसे इनकार करके उस योग्यता से इनकार मत कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे से आप किसी की मदद करने से इनकार ना करें। ये बस यही मैं चाहता हूँ और यही ऐसे टेलीकॉम भी चाहता है। थैंक यू वेरी मच।